हेलो डियर मॉडर्न स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन. वेल डन, योर ऑल सब्जेक्ट टेस्ट हैव बीन कम्प्लीटेड. ओके, एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग, आई विल टेल यू आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस इन टेस्ट. ओके, जो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सिविक्स. ओके, टुडे आई विल टेल यू, टुडे आई विल प्रेजेंट. ओके, आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन एंड टेस्ट पेपर. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट पेपर ऑफ ज्योग्राफी. ओके, सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी. तो आपकी जो टाइमिंग थी 1 आवर थी इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में 1 आवर, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका यूनिट टेस्ट, ये दिस इज फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट था. इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 थे. 1 आवर, 1 घंटे का टाइम था इसको कंप्लीट करने के लिए. एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चंस इसमें से करने थे. एंड फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग कीवर्ड्स. आपको जो 2 कीवर्ड्स दिए गए इनका मीनिंग लिखना था. ओके, सो मीनिंग इज ग्लोब एंड समिट. ओके, ग्लोब 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. इसका आंसर होगा 3-डायमेंशनल, DIMENSIONAL, डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ, उसको ग्लोब कहते हैं. नंबर 2, समिट. समिट द टॉप ऑफ माउंटेन, एंड यू कैन से ऑल्सो द टॉप पॉइंट ऑफ माउंटेन. ओके, द टॉप पॉइंट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो टॉप पॉइंट होता है उसको समिट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग. ओके, नेम द फॉलोइंग. ए, द अप फोल्ड पार्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन. ओके, फोल्ड माउंटेन का जो अप फोल्ड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, आपको इसमें नेम देना है. इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी कि क्या होता है, ये नहीं लिखना, इसको कहते क्या, वो चीज़ है क्या. सो आंसर इज एंटिक लाइन, ANTICLINE, एंटिक लाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द 3 मेजर रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. इट मीन्स आपको हिमालयाज की जो 3 मेजर रेंजेस हैं उनके लिखे थे. नंबर 1, हिमाद्री, HIMADARI, हिमाद्री. हिमाचल, ओके, हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल सेकेंड रेंज है. एंड थर्ड शिवालिक, सबसे ऊपर आपका हिमाद्री है, फिर हिमाचल है, और उसके बाद शिवालिक. ओके, दीज आर 3 मेजर रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू फॉर ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. सो फर्स्ट इज, मैप्स आर नेवर ड्रॉन टू अ स्केल. ओके, नो, हाँ हम ड्रॉन कर सकते हैं, तो दिस इज फॉल्स. ओके, दिस इज फॉल्स. ओके, दिस इज फॉल्स. ओके, फर्स्ट इज फॉल्स. नेक्स्ट, डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. डिस्टेंस जो है वो एक मैप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. यस ट्रू, दिस इज ट्रू. हाँ, डिस्टेंस जो है वो मैप के लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. प्लेन्स आर वेरी रिच इन मिनरल रिजर्व्स. प्लेन्स जो है वो मिनरल के लिए बहुत ही रिच है. नो, प्लेट्यूज जो होते हैं वो वेरी रिच इन मिनरल्स रिजर्व्स. ओके, सो दिस इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स रिवर्स आर नेविगेबल इन द प्लेन्स. यस, रिवर्स जो है, जो नेविगेबल प्लेन्स जो एरिया होती है वहाँ वो नेविगेबल होता है. यस, दिस इज ट्रू. तो फर्स्ट आपका फॉल्स है, फर्स्ट इज फॉल्स. ओके, फर्स्ट इज फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स एंड फिफ्थ ट्रू, फोर्थ ट्रू. ओके, फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू,
third false and fourth true. Okay. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें आपको क्या करना है, आंसरिंग करनी है. हाउ आर एलुवियल प्लेन्स फॉर्म्ड, इट मीन्स कैसे एलुवियल प्लेन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं. आंसर इज एलुवियल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई द डिपोजिशन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले बाई द रिवर्स बाई द By the rivers. It means rivers के through deposit होते हैं. Alluvial plains are formed by the deposition of sand, silt and clay by the rivers. Okay. Next question. Plan prepared. It means plan जो है वो क्यों prepare किया जाता है. Okay. So answer. Plan is prepared in order to show more details about small area. Okay, it means किसी भी small area को बहुत ही detail में show करने के लिए plan जो है prepared किया जाता है. Okay, a plan is a drawing of a small area, a large scale. Okay, आप इसको भी लिख सकते हैं, plan जो है वो drawing है किसी भी छोटे area को उसको बड़े रूप में दिखाने की. Okay. It represent things that cannot be shown on a map like length, width of a room. Okay. So you can say, आपसे question में पूछा गया क्यों prepared किया जाता है, तो answer is a plan is prepared in order to show more details about a small area. Okay. And next question paper of history civics is also first unit test. Okay. इसमें अभी timing same है, geography में जो थी 1 hour वही है, maximum आप 20 marks का है. इसमें भी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने थे और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने थे. फर्स्ट क्वेश्चन इज कीवर्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कीवर्ड्स था. उसमें आपको दो कीवर्ड्स दिए गए हैं, मदर गॉडेस एंड राजन. ओके, सो मदर गॉडेस, आपको मदर गॉडेस का मीनिंग लिखना था. तो मदर गॉडेस का मीनिंग क्या होगा. ओके, द फीमेल डेटी DITY, डेटी मीन्स होता है देवी देवता. ओके, फीमेल डेटी वर्शिप्ड, WORSHIPPED, वर्शिप्ड. ओके, वर्शिप्ड बाई द हड़प्पन पीपल. ओके, हड़प्पन पीपल, PEOPLE, हड़प्पन पीपल. ओके, द फीमेल डेटी वर्शिप्ड बाई द हड़प्पन पीपल. इट मीन्स कोई भी जो फीमेल डेटी देवी देवता है उनकी हड़प्पन पीपल के थ्रू जो पूजा की जाती है उनको मदर गॉडेस कहते हैं. राजन जो है वो किंग को राजन कहते हैं. एंड चीफटेन, CHIEFTAIN. ओके, चीफटेन भी राजन का मीनिंग होगा. नेक्स्ट, गिव वन टर्म ऑफ द फॉलोइंग, इट मीन्स आपको जैसे नेम द फॉलोइंग उसी तरह से गिव वन टर्म ऑफ द फॉर द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट इज द माउंड ऑफ द डेड, इट मीन्स माउंड ऑफ द डेड मीन्स होता है मृतक का टीला, किसको कहा जाता है. मोहनजोदाड़ो, MOHMOHEN, मोहन. ओके, जोदाड़ो, JODARO, मोहन जोदाड़ो को मृतक का, द माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट, दीज वर यूज टू वर्ड ऑफ एविल स्प्रिट्स, इट मीन्स एविल स्प्रिट्स से बचने के लिए. These were used to ward off evil spirits. Evil spirits से बचने के लिए क्या चीज़ यूज की जाती है, उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता था. Amulets, AMULATES. Amulets means होता है ताबीज़, इट मीन्स ताबीज़ पहना करते थे. ओके, AMULE, अगेन राइट स्पेलिंग राइट लिखिए, AMULE
एस. एमुलेट्स मीन्स होता है ताबीज. ओके फिर से करेक्ट कर लीजिए, पहले रॉन्ग लिख गई थी. ओके राइट इज ए एम यू एल ई टी एस, एमुलेट्स ताबीज. नेक्स्ट द फोर स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ, इट मीन्स मैंस लाइफ के फोर स्टेजेस हुआ करते थे उनको क्या कहते थे. ओके जो फोर स्टेजेस थे जैसे आपका ब्रह्मचर्य हो गया, ओके गृहस्थ हो गया, उसके बाद आपका वानप्रस्थ हो गया, उसके बाद आपका सन्यास. तो ये जो फोर स्टेजेस थे उनको क्या कहते थे, वो आश्रमास, ए एस एच आर ए एम ए एस, आश्रमास कहते, आश्रम हुआ करते थे. ओके उनको वान ब्रह्मचर्य आश्रम, ओके गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम हुआ करते थे, फोर स्टेजेस थे. इनके अकॉर्डिंग इनका वर्क डिवाइड था. ब्रह्मचर्य में लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे, गृहस्थ आश्रम में परिवार जो है उनका बसता था, उससे संबंधित जिम्मेदारियों को निर्वहन करते थे. वानप्रस्थ जो है वो पूजा पाठ की तरफ उनका रुझान हो जाता था. संन्यास मीन दुनियादारी सब छोड़ कर के चले जाते थे, संन्यास ले लेते थे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, मैच करना है. तो फर्स्ट ब्रह्मवर्ता. ओके तो ब्रह्मवर्ता जो है आपका मैच करेगा अर्ली वैदिक एज. नेक्स्ट सोमा. सोमा जो है ये टाइप ऑफ प्लांट जूस, सोम जूस तो मैं लोग पान किया करते थे उसको पीते थे, प्लांट जूस. शवा एंड समिति, ये असेंबलीज हुआ करती थी शवा और समिति. एपिक्स, जो एपिक्स थे रामायण महाभारत. ओके गॉड ऑफ थंडर, वर्षा का जो बारिश होती है उसका देवता किसको कहा जाता है, थंडर के देवता किसको कहा जाता है, इंद्र को. ओके नेक्स्ट नेम थ्री इंपॉर्टेंट साइट्स वेयर दिस सिविलाइजेशन फ्लरिस्ट. ओके इट मीन्स उन थ्री साइट्स का नाम लिखना है जहाँ पर ये सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन से मीन्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो वो थ्री सिटीज, थ्री साइट्स कौन कौन सी थी, हड़प्पा एच ए आर ए डबल पी ए, हड़प्पा, सेकेंड मोहन जोदाड़ो, ओके एम ओ एच ई एन जे ओ डी ए आर ओ, मोहन जोदाड़ो. ओके एंड थर्ड लोथल, लोथल. ओके दीज आर थ्री साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन फ्लरिस्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द स्टेजेस. जस्ट आई हैव टोल्ड यू स्टेजेस के बारे में, इसमें पूछा गया है कि नेम द स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ एन अपर क्लास इन वैदिक सोसाइटी. वैदिक सोसाइटी में जो लाइफ के स्टेजेस डिवाइड किए गए थे वो कौन कौन से थे. ओके सो फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य, बी आर ए एच एम ए सी एच ए आर ए, ब्रह्मचर्य. सेकेंड है आपका गृहस्थ, जी आर आई एच ए एस टी एच ए, गृहस्थ आश्रम. थर्ड वानप्रस्थ आश्रम, वी ए एन वानप्रस्थ. ओके इट मीन्स वन में जाना, एन ए वानप्रस्थ, पी आर ए एस टी एच ए वानप्रस्थ. लास्ट संन्यास, एस ए एन वाई ए एस ए संन्यास. दीज आर फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ of an upper class in Vedic period, Vedic society. Okay, so these are answer of given question जो भी आपके test में दिए गए थे. Okay, तो मुझे सबने बहुत अच्छे से किया है और ऐसे ही आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छे आपके marks भी आए हैं. Okay students, good and congratulations, well done.